हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका संगीता नायर चैनल पे। होप यू आर डूइंग वेल। और ये जो मेरा व्लॉग है, ये है सेकंड पार्ट लास्ट व्लॉग का। और लास्ट व्लॉग पड़ा था बिफोर टू डेज, मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग करने का। पहले तो मेरा मन हुआ कि ऐसे ही डाल दूँ, लेकिन मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आज मुझे 3 दिन बाद टाइम मिला है, तो मैंने सोचा आज एडिटिंग कर ही लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था, मॉर्निंग हो गई थी और अनाया को मैं अभी भी जगा के आई हूँ। बस टाइम हो गया है स्कूल जाने से पहले का, जो रूटीन होता है हमारा, और वही सबसे ज़्यादा बिजी रूटीन होता है जब आपको खुद भी जाना हो और बच्चे को भी रेडी करके भेजना हो, तो भाई टफेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। तो एक तरफ कढ़ाई में चढ़ी हुई है भिंडी, आजकल सीजन भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खानी भी चाहिए, और अनाया को तो फेवरेट है भिंडी। जो लोग मुझे जान रहे हैं बहुत टाइम से, उन्हें पता होगा अनाया को अगर हफ्ते में 2 या 3 बार भी भिंडी दे तो आराम से खा लेती है। तो बस आटा मैंने गूंद के रख दिया था, चाय मैंने अपनी फिनिश कर ली है, और थोड़ा सा टाइम मैंने दिया अपने आप को, थोड़ा सा बैठ के गर्म पानी पी के और बस नेचर का मज़ा लेते हुए। मॉर्निंग का व्यू लेने का टाइम ही नहीं होता है, जो ब्यूटीफुल व्यू होता है, क्योंकि सुबह होती है बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट। जी हाँ, भागम भाग लाइफ में सुबह का जो रूटीन होता है बहुत भाई बिज़ी होता है। तो बस जल्दी जल्दी से सेकनी है मुझे रोटी, और रोटियां मुझे ऐसे सेकनी है कि अनाया के टिफ़िन के लिए भी चाहिए, अनाया के मॉर्निंग के लिए भी चाहिए, और अनाया जब स्कूल से लौट के आएगी तब के लिए भी चाहिए, और मुझे भी अपने टिफ़िन के लिए चाहिए। मैं सुबह जल्दी में रहती हूँ तो अनाया के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर कर देती हूँ, खुद तो नहीं खा पाती हूँ कुछ, बस चाय पीती हूँ, जिसके बिना मेरे दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। जी हाँ, जो देखते हैं मेरे व्लॉग, मुझे बहुत टाइम से जान है, उन्हें पता है चाय मेरी जान है, बिल्कुल जान है, बहुत चीज़ों का इलाज है चाय। मेरे सर का दर्द, मुझे टेंशन है, टेंशन इन द सेंस ठीक है, अब लाइफ को इजीली लेती हूँ, टेंशन्स क्या आती हैं जाती हैं और चली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपको भी एक राय दूंगी मैं कि रात की बात रात पे छोड़े और मॉर्निंग से एक नई शुरुआत करें दिन की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नया दिन नया सवेरा, तो वो इसी बात के लिए होता है कि रात की बात उस दिन की टेंशन को बस बिस्तर पे छोड़िए और मॉर्निंग की शुरुआत आप अच्छे से करिए। बस इधर गिनी चुनी मेरी रोटियां सीख जाती हैं जल्दी जल्दी से, और सुबह का जो भी बनाना होता है वो रात में ही डिसाइडेड हो जाता है, वो भी डिसाइड करती हैं नया। शाम को नया फुल मील लेती हैं, इन द सेंस दाल भी लेंगी और जो है ग्रेवी वाली सब्जी लेंगी। और सुबह तो हमारा कोई एज इट इज़ खाने वाला होता नहीं है, हम ही दोनों को और ले जा रहा होता है टिफ़िन, तो उसके लिए हमें सूखी सब्ज़ी बनानी होती है। तो मोस्टली बनती है हमारे किचन में आलू, और आजकल तो आलू सोया आया हुआ है तो सोया मेथी भी बन जाती है, और भिंडी सबसे ज़्यादा तो अनाया को आलू पसंद है सूखी वाली, लेकिन आजकल मैं उन्हें मिक्स करके भेज देती हूँ। वही डेली के अपने बर्तन परिचित से अपने, बस सेक लेते हैं जल्दी जल्दी से रोटी। और इधर अनाया आ चुकी हैं, जी हाँ बाहर आ चुकी हैं, वो देखिए हेलो बोलेंगे अनाया कैमरे में, और मैंने जगा के आई कि बाबू जल्दी से आ जाओ, उठ जाओ। 2 टाइम्स अनाया को आज मुझे जगाना पड़ा। बस अनाया भी अपना रूटीन स्टार्ट करेंगी जल्दी जल्दी से, ब्रशिंग करेंगी, शावर लेंगी और फिर नाश्ता करेंगी। वैसे तो अनाया को जगाना नहीं पड़ता है मुझे, अनाया खुद ही जग जाती है, लेकिन एक बार में नया नहीं जगती और मैं कह देती हूँ ठीक है 5 मिनट्स आप और सो लो, बाकी तो नया खैर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है नया को जगाने करने के लिए। बस रोटियाँ कैसरोल में रखती जाऊँगी ताकि जो है गरम गरम रहे, और ये ढक्कन जो है ना, ढक्कन ही जो थाली है ना वो थोड़ा सा बड़ी है। रुचि दीदी हमेशा कहती छोटी थाली लिया करो, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता, जो भी बर्तन सुबह दिखते हैं ना सामने, ये देखिए बिल्कुल कुक हो चुकी है हमारी भिंडी। और भिंडी को पहले तो मैं बंद करके पकाती हूँ, लेकिन जब पकने वाली होती थी इसे खोल देते हैं। और इधर बस अनाया ने कर लिया है ब्रश और फेस वॉश, थोड़ा सा लेजीनेस रहता है सुबह सुबह, और दे दिया है मैंने लीक वॉर्म वाटर अनाया को, मैं तो पी चुकी हूँ। अनाया भी बहुत मज़े से पीती है, यहाँ भी मैं अनाया को टोक रही हूँ कि बाबू सिप सिप करके पियो, लेकिन अनाया नहीं मान रही है, बस एक साथ में पी रही है अनाया, और बात को मेरे इग्नोर करती हुई चली वो शावर लेने। अनाया अपने काम अब कर लेती हैं, और मोस्ट ऑफ द जो वर्क है मैंने उनको आदत डाल दी है धीरे धीरे अपना करने के लिए अपने आप।
और इधर लगा दिया ना कि मैंने प्लेट आना है, वहाँ लगी मैं फ्रूट भी देती हूँ, अभी मैं कट करके दूंगी। और इधर सब्जी ठंडी हो चुकी थी और बस मैं रखूँगी टिफ़िन में। मैं चाहती तो हुआ ना कोई स्टील का टिफ़िन दें, लेकिन स्टील के टिफ़िन में आजकल जो भी टिफ़िन आते हैं उनमें धार होती है, बहुत ज़्यादा शार्पनेस होती है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा बड़ी होंगे ना तो स्टील के टिफ़िन दूँगी, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह तो नुकसान ही करता है। लेकिन फिर भी मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि जब भी अनाय को खाना दूँ तो सब्जी और रोटी दोनों ही ठंडे करके पैक करें, गर्म प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। तो मैंने बस पैक कर दिया अनाय का लंच और कट कर लेते हैं अनाय के लिए एप्पल। अनाय को फ्रूट्स पसंद हैं तो आज अनाय टिफ़िन में भी एप्पल ले जाएंगी और ब्रेकफास्ट में भी करेंगी। और इस समय बज रहे हैं रात के 10:30 जब मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ, और टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद में लब लौट के आते हैं स्कूल से, तो अनाय को भी देखना है और घर के काम भी देखने हैं, तो हो नहीं पाता है मैनेज कुछ। और एक चीज़ होती है ना कि जब आप मन होना, जब आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल क्रेज़ी होना, तभी वो काम होते हैं। आजकल थोड़ा सा लग रहा है लेजीनेस, लग रहा है लेजीनेस कहें थकान कहें ना, दिन भर हो जाता है स्कूल में, तो उसकी वजह से मन नहीं किया बिल्कुल एडिटिंग करने का, ना ही मैंने कोई व्लॉग शूट किया। और इधर अनाया को पैक कर दिया है मैंने एप्पल अनाया के लिए, और अनाया कट करवाती हैं फ्रेंच फ्राई शेप में, तो ऐसे ही मैं उनको शेप में कट करके दे देती हूँ कुछ खाने के लिए भी। जितना ही टाइम होता है 1 घंटे का अनाया, 1.5 घंटे का, उतने में अनाया जो है अपना मैनेज कर लेती हैं, खाने पीने का भी, टीवी भी देख लेती हैं। फिलहाल जितनी देर में किचन में उतनी देर अनाया तैयार होती हैं और लगा लेती हैं अपनी टीवी, बैग पैक कर देते हैं अनाया का। सबसे पहले तो मैं यही चीज़ें करती हूँ कि अनाया भूले ना, तो वाटर और ब्रेकफास्ट सॉरी टिफ़िन और फ्रूट लंच दोनों ही मैंने रखने हैं। और मैं यहाँ बाबू से कह रही हूँ, बाबू आपका बैग बहुत हैवी है, कैसे कैरी करते हो? तो अनाया कह रही, मम्मा हो जाता है सब धीरे धीरे, बच्चे बड़े होते हैं तो हैबिट्स पड़ती हैं लोगों को देख के भी, पर सच में बच्चों का बैग बहुत वजन रहता है, मेरी बेटी का तो हैवी रहता है। ये देखिए, वही तो मुझे बड़ा लगता है यार, हम इतना हैवी बैग नहीं होना चाहिए स्कूल का। और इसी बीच अनाया ने अपना सब्जी रोटी खा लिया था और अब कर रही है एप्पल का ब्रेकफास्ट, और मैं बस चोटी बांध देती हूँ। बाबू की यही एक काम है जो बाबू नहीं कर पाती है, तो छोटी है अभी, इतनी बड़ी भी नहीं हुई है वो। अनाया की निगाहें बस और बस टीवी में, और उधर अनु भैया आ चुके हैं, और मैंने रख दिया अनाया का बैग अनाया की गाड़ी में, और अनाया अब जा चुकी हैं। और ये देखिए इतना मैशी रूम होता है, सुबह सुबह बस होता है कि अनाया टाइमली पहुँचे और मैं भी टाइमली पहुँचूँ, तो अनाया के जाने के बाद में भी जितना मुझे टाइम मिलता है मैं रूम को मैनेज करके जाती हूँ, और अगर नहीं भी टाइम बचेगा तो मैं ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी, लेकिन लेट तो नहीं करूँगी ना अपने आप को, लेकिन फिर भी मैं इतना मार्जिन लेके चलती हूँ कि इतना टाइम मेरे पास बचे कि मैं रूम मैनेज करके जाऊँ, क्योंकि मेरे से पहले अनाया आ जाती है, तो मुझे लगता है अनाया को नीट एंड क्लीन मिले रूम। तो बस वही रूटीन रोज़ का, लेडीज़ से कितना काम करती हैं मैं सच बता रही हूँ कि बताती हूँ आपको एक बात की। अभी मेरी कंप्यूटर की ट्रेनिंग चल रही थी 5 डेज़ की, तो वहाँ पे ये हुआ कि अगर आपको रोबोट मिल जाए तो आप उनसे क्या क्या काम कराना चाहेंगे। तो लेडीज़ों के पास में इतने सारे वर्क थे ज़बान पे, मतलब खाना, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू पोछा, बहुत सारी मतलब ये अनगिनत चीज़ें थी। और जेंट्स के पास में कुछ था ही नहीं कहने को, एक जेंट्स खड़े हुए भी, एक सर खड़े हुए, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मैं सब्ज़ी मंगाऊँगा बाहर से। तो हमने सोचा कि क्या इन लोगों के पास में इतने कम काम रहते हैं कि इनके दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं कि इन्हें क्या करना, क्या मांगे एक रोबोट से कि रोबोट क्या उनका काम करे। तो सच में हम जो वर्किंग वूमेंस होती हैं घर से लेके बाहर तक की, बहुत मैनेजमेंट करती हैं भाई, हैट्स ऑफ उन सभी को जो घर में करती हैं, वो भी ऐसा नहीं है, वो भी बहुत मैनेज सीखे रखती हैं। लेकिन जो वर्किंग वूमेंस है बाहर जाती हैं उनके तो भाई डबल वर्क पड़ जाता है। आप ये सब चीज़ें ऐसे छोड़ नहीं सकते ना कि रूम ऐसे छोड़ दें, आपको खुद इतना बेकार लगेगा देख के ना, मेंटल पीस नहीं मिलता है। तो बस मैं सोफे को भी बस मैनेज करके जा रही हूँ, छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन टाइम बहुत लेते हैं सारे काम। अगर आप लोगों के सब्जी लिया, कट कर लिया, धो लिया, नहीं ये जो बीच का टाइम होता है ना, बहुत टाइम टेकन होता है भाई, मुझे तो लगता है
कहने में बड़ा आसान होता है, सब्जी कटने में क्या है, सब्जी बनने में क्या है, लेकिन नहीं, जो करता है ना उसे पता होता है कि हाँ ये छोटे छोटे काम जिनकी गिनतियाँ नहीं होती है ना, बहुत टाइम लेते हैं सच में। बस ये जो मैं दिखाती हूँ ना, आप भी जान रहे हो कितना टाइम लेता है, मैं कट करके छोटे छोटे करके इसको एडिट करके आपको शो करती हूँ, क्योंकि 10 मिनट में हम लोग क्या ही दिखा पाएंगे, ये 1.5-2 घंटे का काम हम आपको 10 मिनट में दिखाते हैं। बस नीट एंड क्लीन हो गया मेरा रूम, तो मुझे भी थोड़ा सुकून है, और बस अपने को भी रेडी कर लेती हूँ। बस रोज़ की वही छोटी सी बिंदी मिरर का काम कर देती है, मेरा फ़ोन और वही अपनी डेली की रिस्ट वॉच बैंगल। बस निकल लिए हम स्कूल के लिए ठंडी ठंडी हवा के साथ। आज ही एकादशी, तो लोग गन्ने वगैरह लेके जा रहे हैं क्योंकि गन्ने की पूजा करके मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल। अब ब्लॉग बनेगा छुट्टी के बाद, हो गया छुट्टी का टाइम, चलिए चलते हैं घर। मैं पहुंच गई हूँ घर, अनाया अभी शावर लेके आती है, फिर तब तक मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलाती है अनाया से भी। तो मैं चेंज वेंज करके आ गई हूँ, अनाया उधर आ गई शावर लेके। आ जाओ बाबू, आ जाओ, ब्लॉग को एंड कर दे। और क्या लेके आ गई, फिर से ड्राइंग, कुछ खाना पीना खा लो, मैं लेके आ गई हूँ ना खाना आपके लिए। तो कैसा दिन था आज का ये। सो बस अब टाइम हो गया है हमारा भी रेस्ट करने का, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग लाइक वाइज। बाय बाय एवरी वन।